Hi everyone and welcome back to another video. Welcome to another episode of Real Ghost Caught on Camera. आज मैं तुम्हें 5 different clips and videos को दिखाऊंगा from various parts of the world, जहां पे लोगों ने जाने अनजाने कुछ paranormal and supernatural चीजों को अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया था. Also मैं तुम्हें उन सारे क्लिप्स के पीछे की बैक स्टोरीज भी बताऊंगा, जिससे तुम्हें पूरा कॉन्टेक्स्ट एंड स्टोरी समझ में आ जाए. मेरी तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, तुम्हें नीचे क्लियरली दिख रहा होगा दैट वी आर दिस क्लोज टू 150 के सब्सक्राइबर्स. ठीक है, इतना इतू सा बाकी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर. लाइक क्यों कर रहा हूँ मैं, माई बैड. प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड डू सपोर्ट मी, डू हेल्प मी रीच 150 के जल्दी से, ताकि मैं एक और लाइव स्ट्रीम करूँ जहाँ पे आके तुम लोगों से बातें होंगी भाई. सो प्लीज डू सब्सक्राइब. न्यू मेक्सिको के मैसोनिक सिमेट्री में काम करने वाले वर्कर्स एक चीज को नोटिस कर रहे थे. पिछले कुछ दिनों से उनके सिमेट्री के अंदर जितने ग्रेव्स थे, उनमें से कुछ ग्रेव्स को लोग आकर वैंडलाइज कर रहे थे. वैंडलाइज यानी उसको तोड़ रहे थे, उसको डैमेज कर रहे थे. ऑल्सो उन ग्रेव्स के आसपास जो डेकोरेटिव आइटम्स भी रखे होते थे, उनको भी कोई चुरा रहा था. Clarksburg Cemetery recently vandalized. Dozens of headstones being knocked over in the process. ये सब चीजें उन सारे वर्कर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंसा रही थी. जितने भी फैमिलीज थे, वो लोग बार बार आके कंप्लेन कर रहे थे कि फिर से उनके ग्रेव को किसी ने तोड़ दिया है, फिर से उनके सामान को किसी ने चोरी कर लिया है. एंड वो सिचुएशन काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी थी. फैमिली मेंबर्स एंड वर्कर्स इस चीज से काफी ज्यादा अपसेट थे. बट उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये कौन कर रहा है, किसका हाथ है इन सारे ग्रेव्स को ऐसे डैमेज करने के पीछे. एक फैमिली तो इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी. कोई बार बार उनके ग्रेव को डैमेज कर रहा था, उसको डिस्ट्रक्ट कर रहा था. आखिर में उन्होंने डिसाइड किया कि वो पता लगा कर ही रहेंगे कि ऐसा आखिर कौन कर रहा है. And that's why, अपने ग्रेव के जस्ट सामने उन्होंने एक कैमरा को फिट कर दिया और वो कैमरा थोड़े थोड़े गैप में एक एक पिक्चर क्लिक कर रहा था. उनके पूरे होप्स थे कि उस कैमरा को लगाने के बाद अगर कोई उनके ग्रेव के साथ कोई भी छेड़छाड़ करता है, कोई उसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो जरूर उस कैमरा में पकड़ा जाएगा. एंड इसी होप के साथ वो उस कैमरा को वहां पे छोड़ के वापस चले गए. एक दो दिन बाद उन्होंने नोटिस किया कि उनके ग्रेव को फिर से किसी ने डैमेज पहुंचाया है. अब सही समय आ गया था कि उस कैमरा को लेकर के चेक करना. इसलिए उन्होंने तुरंत उस कैमरा को लिया, उसकी मेमोरी निकाली एंड चेक किया कि आखिर ऐसा कौन कर रहा है. उस कैमरा को चेक करने पर उन्होंने जो फोटोज देखी, उन फोटोज ने उन्हें कम्प्लीटली शॉक कर दिया और उन्हें कम्प्लीट डिसबिलीव में डाल दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है. दीज आर द फोटोज जो उस कैमरा ने कैप्चर करी थी. वो सारे फैमिली मेंबर्स इस चीज़ को देख के शॉक हो गए थे कि आधी रात के टाइम पे उन ग्रेव्स के आसपास एक छोटी सी लड़की भटक रही है. दिस लिटिल गर्ल वॉज रोमिंग ऑल अलोन इन अ सिमेट्री इन द मिडल ऑफ द नाइट. दीज फोटोज वर एक्चुअली टेरिफाइंग एंड कंसर्निंग. इन फोटोज ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा वरिड कर दिया एंड मामला थोड़ा सीरियस हो चुका था. उन्होंने तुरंत इन फोटोज को लेकर के सिमेट्री के वर्कर्स को दिखाया. अब तक चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी डरावनी हो चुकी थी. वो फोटोज ऑलरेडी उन्हें काफ़ी ज़्यादा वरी कर रही थी कि एक छोटी बच्ची इतने रात को अकेले कैसे घूम रही है. बट जब उन्होंने वर्कर्स को फोटोज दिखाया एंड उन वर्कर्स ने उस फोटो को देख कर जो रिस्पॉन्स दिया, इस चीज़ ने उनके डर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया. ऐसा इसलिए था क्योंकि उन वर्कर्स ने उस फोटोज को देखकर तुरंत ही उस लड़की को पहचान लिया. वर्कर्स का कहना था कि उन फोटोज में जो लड़की कैप्चर हुई है वो फेवियोला है. सोंड्रा गोंजालेस नाम की एक महिला थी जिसकी एक 2 साल की बेटी थी, जिसका रिसेंटली डेथ हो गया था और उसके डेथ के बाद उसको इसी सिमेट्री में दफनाया गया था. उसकी ग्रेव इसी सिमेट्री में थी एंड वर्कर्स कम्प्लीटली श्योर थे कि वो पिक्चर में उन्होंने फेवियोला को ही देखा था. वो मान रहे थे कि शायद फोटोज में फेवियोला की स्पिरिट कैप्चर हुई है. अब तक चीज़ें थोड़ी बहुत डाउटफुल थी बट बाद में इन फोटोज को सोंड्रा गोंजालेस को दिखाया गया. एंड जब उनको इन फोटोज को दिखाया गया, उसके बाद ये सारा डाउट क्लियर हो गया. दिस इज व्हाट शी सेड. सोंड्रा ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जैसे उन्होंने फोटोज को देखा था, उन फोटोज ने उन्हें लिटरली रुला दिया था. वो अपनी बेटी को काफी इजीली पहचान पा रहे थे. फ्रॉम हेड टू टो उसके हेयर को देखकर, उसके ड्रेस को देखकर, वो इस चीज से बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं थे. उन्हें कम्प्लीटली श्योरिटी थी कि वो उन्हीं की बेटी थी और वो इस चीज को काफी स्ट्रिक्टली क्लेम कर रहे थे. एंड वो काफी श्योर थे कि
कि वो उन्हीं की बेटी है। इवन इफ वी गाइस थिंक अबाउट द फोटो, तो हमारे पास भी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कि इतनी रात को, ऑलमोस्ट आधी रात के बाद, एक सिमेट्री के अंदर एक अकेली लड़की क्यों भटक रही है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, एंड इसीलिए ये फोटोज मेरे लिए भी काफी ज्यादा अनएक्सप्लेनेबल है। मेरे को कोई लॉजिकल रीजन मिल ही नहीं रहा कि एक छोटी सी लड़की हर रात ऐसे घूमते हुए ग्रेव्स के पास उनको डैमेज कर रही है, या फिर जो डेकोरेटिव आइटम्स ले रही है, एंड ऑलमोस्ट 2-3 साल के उम्र के दिखने वाली एक लड़की इतने आधी रात को अकेले एक सिमेट्री में तो बिल्कुल भी नॉर्मली घूमती नहीं है। सो देर इज़ नो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दीज फोटोज, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं ये केस मुझे काफ़ी ज़्यादा लेजिट लग रहा था। That's why I presented these photos. But do let me know what could be the possibilities behind these photos. तुम्हें ऐसा क्या लगता है? ये स्टोरी क्रिस्टल और डैमियन नाम के एक काफ़ी हैप्पीली लिविंग कपल की है। वो दोनों अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे थे। दे बोथ वर टुगेदर एंड दे वर रियली हैप्पी। सब कुछ उनके लाइफ में अच्छा चल रहा था। इवन अपने एंगेजमेंट के बाद उन लोगों ने एक नया घर ले लिया था, एंड ये घर उनके एंगेजमेंट के बाद उनके रिलेशनशिप का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था। लव और भी ज्यादा बढ़ गया था, एंड इन दिस न्यू हाउस दे वर हैप्पीली लिविंग एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था। Why, what are you scared? I mean, no, I'm not scared. Are you scared? What are you scared of? What am I scared of? This is called gaslighting. No. What? Oh, so now you're accusing me of gaslighting. Although उनको ये नया प्लेस, ये नया घर काफ़ी ज़्यादा पसंद था, बट एट द सेम टाइम उनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो उन्हें थोड़ा बहुत अपसेट कर देती थी। कई बार इस घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी जो काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लेनेबल थी। इसी वजह से उन्होंने अपने पूरे घर के अलग अलग कमरों में सिक्योरिटी कैमरास को लगा दिया था, ताकि जब भी ऐसा कुछ अनएक्सप्लेनेबल या फिर स्ट्रेंज चीज़ें उनके घर में हो, तो एटलीस्ट उनके पास एक सॉलिड प्रूफ कैप्चर हो जाए कि उनके घर में ये चीज़ें हो रही हैं, एंड वो दूसरों को ये चीज़ें दिखा भी सके, एंड उन्हें बता सके कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। How do you, you know, why do you have cameras in your house and, you know, all this stuff? So, because things are happening in my home and, okay. I like to feel safe, so I put these cameras everywhere to, document, capture what the hell's been going on. इन सारे कैमरास को वहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद थिंग्स वेयर अगेन हैपनिंग इन द सेम वे जैसा पहले हो रहा था। वो सारी स्ट्रेंज चीज़ें कैमरा लगाने के बाद भी होने लगी, एंड इसीलिए ये सारी स्ट्रेंज अपसेटिंग चीज़ें उन कैमरास में भी कैप्चर हुई। August 6, 2002 को उनके हॉलवे पे जो कैमरा लगा हुआ था, विच वॉज फेसिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द मेन डोर ऑफ द हाउस, उस कैमरा में ये चीज़ कैप्चर होती है।
होल फुटेज माइट लुक लाइक समवन वाज प्रैंकिंग देम, उनके साथ कोई मजाक कर रहा था, बट एट द सेम टाइम इस चीज को भी कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है कि टाइम ऑलमोस्ट मिडनाइट के पार हो चुका था एंड इतने लेट में ऐसा कुछ होना जहाँ कोई एग्रेसिवली कंटिन्यूसली इतने देर तक उस डोर को नॉक कर रहा था वॉज अ बिट कंसर्निंग. वहाँ पर जाके चेक करना भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की था, पर डेमियन ने इस रिस्क को उठाते हुए जाके चेक किया और बाहर कोई भी नहीं था. एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट उनके घर में कई सारी स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, इस वजह से इस चीज़ का होना भी उनको काफ़ी ज़्यादा डरा देता था. एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि उनके घर में बहुत सारी स्ट्रेंज चीज़ें ऑलरेडी हो रही थी, तो ये चीज़ भी उनको काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगी थी. एक दिन ऐसे ही डैमियन और क्रिस्टल अपने किचन में एक छोटे से आर्ग्यूमेंट में लगे हुए थे. दे वर फाइटिंग ओवर सम पर्सनल इश्यूज एंड उस वक्त उस फाइट के बीच में ऐसा कुछ होता है. And they don't even want you there. They want you there. They like you a lot. No, they don't. That's the only reason. They like me. They're my friends, but they like you too. Yeah, but if you weren't there, I wouldn't even get an invitation. Like, they're being cordial. Because they're my friends. They're my friends. Okay, yeah, they're my friends. But they're because they're my. But they like you a lot. They're acting fucking rude to me. They're not trying. That's just how they are. उस फाइट के बीच में उनके पीछे के कैबिनेट से एक ग्लास का प्लेट अपने आप गिर जाता है. फाइट के बीच क्रिस्टल को ये चीज थोड़ा डरा देती है एंड इरिटेट भी कर देती है, तो उस किचन से चली जाती है. डैमियन काफी ज्यादा क्लूलेस होते हैं, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे के कैबिनेट से एक और ग्लास प्लेट अपने आप एयर में निकल के नीचे गिर जाता है. अब ये चीज उनको काफी ज्यादा डरा देती है और वो उस किचन से चले जाते हैं. उन प्लेट्स के गिरते हुए देखकर ऐसा लग रहा था एज इफ समवन वाज ट्राइंग टू एंड द आर्ग्यूमेंट बाय डूइंग इट. बट दिस इज नॉट ऑल, अब तक तो तुमने सारी चीजें देखी भी नहीं है, आगे चीजें और भी ज्यादा क्रीपी हो जाती है.
एक रात डेमियन घर पे नहीं होते, वो किसी काम से बाहर गए होते हैं और क्रिस्टल घर पे अकेली होती है। वो अपने बेडरूम में बेड पे बैठ के फोन स्क्रॉल कर रही होती है एंड उसी वक्त उनके साथ कुछ ऐसा होता है। उनका बेडरूम का डोर अपने आप स्लाइड होके ओपन हो जाता है, जबकि ऐसा उनके साथ पहले कभी भी नहीं हुआ था। वो डोर अपने आप ऐसे स्लाइड नहीं करता। ये चीज़ क्रिस्टल को काफ़ी डरा देती है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम वो अपने आप को काफ़ी कंट्रोल रखती है। वो फ्रीक आउट नहीं करती बिकॉज ही नोज कि वो अकेली है, और अगर वो डरना स्टार्ट करे तो शायद उनकी हालत और भी ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए वो अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करती है। वो वहाँ पे कम्प्लीटली हेल्पलेस थी, वो उस चीज़ को अपने आँखों के सामने देख पा रही थी, बट स्टिल एट द सेम टाइम वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। इसके साथ साथ उनके घर में और भी कई सारी स्ट्रेंज चीज़ें होने लगी थी। नॉइजेस का सुनाई देना, फुटस्टेप्स का कभी कभार सुनाई देना, एंड इवन सामान का अपने आप इधर से उधर गिरना। ऐसी चीज़ों के रेगुलरली होने के बाद अब तक तो उन्हें ये चीज़ क्लियर हो चुका था कि उस घर में कोई ना कोई दिक्कत तो ज़रूर है, बट वो उनका नया घर था और वो कम्प्लीटली छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थे। फाइनली उन्होंने सोचा कि शायद उसका सोल्यूशन यही है कि वो एक स्पिरिट कॉल सेशन कंडक्ट करें और शायद उस स्पिरिट से बात करके उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे शायद उनका काम बन जाए। इस स्पिरिट कॉल सेशन को करने के बाद जो भी सुपरनेचुरल स्पिरिट उस घर में था, इट वाज नॉट रियली हैप्पी। उसने काफी एग्रेसिव बिहेव किया एंड जो भी सामान थे उस रूम में वो अपने आप काफी जोर जोर से शेक करने लगे एंड हिलने लगे। आफ्टर दिस बोथ ऑफ देम वर रियली टेरिफाइड एंड स्केयर्ड। उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था एंड इसीलिए अर्जेंसी के तौर पर वो तुरंत ही उस घर को छोड़ करके एक होटल में चले गए रहने के लिए, ताकि वहाँ जाके वो शांति से सोच सके कि उन्हें आगे क्या करना है। दिस इज रियली सैड, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करी थी एक नए घर के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ, बट कभी भी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ उनके लाइफ के साथ हो जाएगा एंड दे हैव टू डील विद सम सॉर्ट ऑफ ए हॉन्टेड हाउस इन देयर लाइफ। Oh, f**k, man, f**k. ध्यान से सुनो मेरी बात। आई नो तुम लोग वीडियो के फ्लो में भूल जाते हो, लेकिन हमें 150 के कंप्लीट करना है, ठीक है? बहुत क्लोज है हम, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? टाटा। आज के इस अगले वीडियो को डेज इन नाइट आउट नाम के टिकटॉकर ने अपलोड किया था। उनका बिलीव था कि जिस होटल में वो काम करते हैं वो एक हॉन्टेड होटल है, और उनका यूजुअली वहाँ पे एक ओवरनाइट शिफ्ट होता है, और इस नाइट शिफ्ट के वक्त उन्होंने कई चीजें एक्सपीरियंस भी करी थी। Okay, so I'm sitting here behind the desk and it's been quiet up till now, but I just heard something. So of course, since I'm responsible here for tonight, I have to go and figure out what exactly it was. I just literally heard something, like, and I immediately turned on the the hell? Okay, so that wasn't there before, but okay. Oh my. Okay. Let's not
You know what? You can have the place. उन्होंने इस चीज़ को बार बार मेंशन किया है कि उनके होटल का जो फोर्थ फ्लोर है वो रिनोवेशन के अंडर है, सो वहाँ पे कोई भी गेस्ट नहीं है, बट स्टिल वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती रहती है। इनफैक्ट उनका ये कहना था कि उस होटल का जो फोर्थ फ्लोर है वो सबसे ज़्यादा सुपरनैचुरली एक्टिव है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं। एक रात उन्हें उस होटल के फोर्थ फ्लोर से अजीब आवाज़ें आनी फिर से स्टार्ट होती है, बट सिंस वो वहाँ के ओवरनाइट शिफ्ट के इंचार्ज हैं तो उन्हें मजबूरन जाके चेक करना ही पड़ता है कि आखिर वो आवाज़ें कहाँ से आ रही है। एंड इसी वजह से वो उस हॉन्टेड फ्लोर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए चले जाते हैं एंड साथ ही साथ अपना कैमरा निकाल के रिकॉर्ड करने लगते हैं टू एटलीस्ट हैव सम प्रूफ कि अगर उनके सामने कुछ हो तो वो चीज़ वो रिकॉर्ड कर सके। ओके आई एम गोइंग समथिंग ओके क्लियर ओके आई एम गोइंग बैक डाउनस्टेयर्स एंड आई डोंट थिंक आई एम एवर गोना कम अप हियर अगेन। Oh my god, that fucking hit. Stop recording. Damn it. Damn it. I was not even paying attention to where I was going. I ran past the damn stairs. We're not gonna... तुम लोगों ने इस चीज़ को ज़रूर नोटिस किया होगा, जब वो उस फ्लोर को एक्सप्लोर कर रहे थे तभी उनके आसपास से एक काफ़ी स्लो विस्परिंग नॉइज आती है विच वॉज आई गेस सेइंग हे ओके क्लियर ओके आई एम गोइंग बैक डाउनस्टेयर्स एंड आई डोंट थिंक आई एम एवर गोना कम अप हियर अगेन। वो नॉइज़ वहाँ पे एक बार नहीं बल्कि दो तीन बार आती है, बट फॉर सम रीज़न वो उस नॉइज़ को वहाँ पे नोटिस नहीं करते एंड उन्हें पता नहीं चलता कि उनके आसपास ऐसी नॉइजेस आ रही है। बट बाद में जब घर जाके उस फुटेज को चेक करते हैं तो वो चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा डरा देती है। वो श्योर हो जाते हैं कि आज तक उनके जितने भी डाउट्स थे उस फ्लोर से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं इस वीडियो की वजह से एक रियलिटी में बदल गए और वो डाउट्स नहीं रहे। इनफैक्ट वो इन चीज़ों को अपने टिकटॉक में भी शेयर करते हैं एंड लोग भी इस चीज़ को देखने के बाद यही बोलने लगे कि शायद उस होटल का फोर्थ फ्लोर एक हॉन्टेड फ्लोर है। अब मैं जो तुम्हें अगली वीडियो दिखाऊंगा ये मेरे चैनल की वन ऑफ द मोस्ट स्कैरीस्ट क्लिप्स होने वाली है एंड इवन जब मैंने इस क्लिप को पहली बार देखा था मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा था इवन अपने आप को कि अगर ये फेक है तो कैसे फेक किया जा सकता है एंड मेरे पास कोई लॉजिकल रीज़न एक्सप्लेनेशन नहीं था कि इस वीडियो को कोई कैसे ही फेक कर सकता है। फिलीपींस में ये स्ट्रेंज वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। डेवो डी ओरो फिलीपींस में एक यूनिवर्सिटी है, एक सिक्योरिटी गार्ड अकेले ही उस पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस को पेट्रोल कर रहा था एंड पूरी रात उस कैंपस की निगरानी कर रहा था। सडनली आफ्टर मिडनाइट उस कैंपस के अंदर काफ़ी बिजार चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है। जो चीज़ें वहाँ पे होने लगती है उसको अपने आँखों पे बिलीव ही नहीं होता एंड उसे ये बात भी पता होती है कि अगर वो दूसरों को जाके वो बातें बताएं तो वो लोग भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे एंड इसी डर से वो तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। Yun. On yung naka-on yung ano yan ito yun guys oh. Yung kita niyo yung mga bangko guys yan walang tao dyan guys ha bus yung electric fan sa itaas yan oh. Parang may kakaiba talaga dito guys. Yun, kita nyo. Yun guys, o. Yun guys. Kita nyo. Yun guys, o. Kita nyo. So, grabe yung... So, kailangan natin i-off yung ano... Sabi, nakakatakot dito guys, sobra. So check natin, pasukin natin guys para kita nyo yung same guys. Guys. Woo! Sword. Guys.
dito yung trabaho ko, guys. Grabe. Sobrang nakakatakot, guys. Grabe yung... Ito pala. Yung switch, guys. Yan, wala na. So, ayan. Tingnan nyo. Grabe. Labas na, guys. Kasi dito kaya yung takot dito. Yan lang, guys. उस यूनिवर्सिटी का डोर अपने आप खुल के बंद हो जाता है। अब तक लगता है कि हाँ ठीक है, इस चीज़ को फेक भी किया जा सकता है या फिर शायद हवा के वजह से भी वो चीज़ हो सकती है। उसके बाद वो एक क्लासरूम के तरफ जाता है एंड उस रूम के अंदर से आवाज़ें आती हैं कि वहाँ की फैंस अपने आप किसी ने ऑन कर दी है। इस चीज़ के होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। ऑल्दो अभी हमारे दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ इस चीज़ को भी फेक किया जा सकता है, शायद अंदर कोई छुपा हुआ हो जो उन सारे फैन के स्विचेस को ऑन कर रहा था हमें एक फेक वीडियो दिखाने के लिए। बट आगे जो उस वीडियो में होता है इज़ कम्प्लीटली अनएक्सप्लेनेबल। उस क्लासरूम की रखी गई सारी चेयर्स, एक लार्ज नंबर ऑफ टेबल एंड चेयर अपने आप मूव करने लगता है। ये चीज़ किसी रस्सी से करी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे कोई एक दो चेयर को नहीं खींच रहे, बल्कि उस क्लास के जितनी भी चेयर्स एंड टेबल्स थी वो अपने आप एक मैजिकल इनविजिबल फोर्स के साथ आगे बढ़ने लगती हैं एंड कम्प्लीटली इधर उधर बिखर जाती हैं। पहली बात, अगर अंदर कोई छुपा हुआ भी हो तो कोई एक इंसान ये चीज़ नहीं कर सकता एंड हमें कैमरा में भी कोई दिखता नहीं है, सो कोई वहाँ पर था भी नहीं। कोई रोप के साथ भी इस चीज़ को नहीं किया जा सकता क्योंकि हम एक दो चेयर्स भले ही खींच ले रोप के साथ ताकि फेक वीडियो बना सकें, बट पूरे क्लासरूम की इतनी सारी चेयर्स को अपने आप नहीं किया जा सकता। ऑल्सो यहाँ पे ये चीज़ें इतनी ज़्यादा जेन्युइन दिख रही थी कि कोई एडिटिंग का भी चांस नहीं था। सो इस क्लिप ने मुझे कम्प्लीटली स्पीचलेस कर दिया था एंड शायद यही रीज़न है कि ये क्लिप फिलीपींस में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसके बाद लोग उस यूनिवर्सिटी को एक हॉन्टेड यूनिवर्सिटी मानने लगे थे। इवन तुम भी पर्सनली इस क्लिप को अगर एक दो बार रिपीट पर देखोगे तब भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि आखिर इसके पीछे कौन सा रीज़न हो सकता है एंड तुम्हें भी शायद यही लगे कि ये कोई पैरानॉर्मल क्लिप ही है। बट ऑल्सो अगर तुम्हें कोई लॉजिकल रीज़न पता चलता है तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट्स में बता देना, बिकॉज मेरे तो भाई कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। आज की जो आखिरी क्लिप है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है एंड इवन ये क्लिप भी बहुत छोटी है, बट जब मैंने इस क्लिप को देखा था इट वाज सो क्रीपी कि मुझे लगा कि मुझे इसको इंक्लूड करना ही चाहिए। इस क्लिप को फर्नांडो विक्टोरोली ने अपने टिकटॉक में शेयर किया था एंड वो एक वर्कर थे एक ट्रेन यार्ड में। अभी उन्होंने ज़्यादा इन्फो तो नहीं दिया कि वो ट्रेन यार्ड कहाँ पर है और वो कौन से कंट्री से हैं, बट बस इतना पता है कि वो एक वर्कर का काम कर रहे थे उस ट्रेन यार्ड में। उन्होंने जिस दिन के बारे में इस वीडियो को शेयर कर रहा है उस दिन उनका नाइट शिफ्ट था और वो अपने फेलो वर्कर्स के साथ वो ट्रेन यार्ड में काम कर रहे थे। सुबह के 3:30 AM के अराउंड उनका काम ख़त्म होता है। उसके बाद वो अपना फ़ोन लेकर के आसपास के थोड़े बहुत वीडियो शूट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक नाइट शिफ्ट कैसा दिखता है, एक ट्रेन यार्ड पर काम करना कैसा रहता है, ये सारे एक्सपीरियंसेस को वो अपने टिकटॉक में शेयर करना चाहते थे। इसी वजह से वो कुछ छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल दिस क्लिप्स वो अपने टिकटॉक में इन सारे वीडियोज़ को अपलोड कर देते हैं। अब तक इस स्टोरी में कुछ भी अजीब हुआ नहीं है, बट अजीब चीज़ उस वीडियो में तब होती है जब उनके व्यूअर्स उन सारे वीडियोस को काफ़ी ध्यान से देखते हैं। इन सारे क्लिप्स में से एक ऐसा क्लिप वहाँ पे होता है जहाँ पे उन सारे व्यूअर्स ने एक काफ़ी शॉकिंग एंड काफ़ी क्रीपी चीज़ को नोटिस किया। जब ट्रेन यार्ड में वो वीडियोस को कैप्चर कर रहे थे एंड एक ट्रेन के पास से एक वीडियो को निकाल रहे थे तब ऐसा लगता है एज इफ उस ट्रेन के डोर के पास कोई खड़ा था जो अंदर से छुपके से इनको स्टॉक करके देख रहा था। इस चीज़ को भी अपने दिमाग में कंसिडर करना कि रात के 3:30 बज रहे थे, ऑलमोस्ट मिडनाइट से भी काफ़ी टाइम ज़्यादा हो चुका था एंड इस वक्त पूरा ट्रेन यार्ड बंद था, वो सारा ट्रेन भी बंद था, वो कम्प्लीटली लॉक्ड था एंड अंदर बाहर कोई किसी का होना अलाउड भी नहीं था। उन वर्कर्स के अलावा उस पूरे ट्रेन यार्ड में दूसरा कोई भी नहीं था, इट वॉज़ कम्प्लीटली एम्प्टी। और ऐसे एक सिचुएशन में एक ट्रेन के अंदर एक क्रीपी सा फिगर खड़ा था जो उनके तरफ छुपके से देख रहा था। फर्नांडो और उनके जितने भी व्यूअर्स थे उन सभी के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि जो चीज़ उन्होंने उस वीडियो में कैप्चर करी थी आखिर वो कौन था या फिर वो क्या था, वो क्या चीज़ थी। ये वीडियो तो क्रीपी है ही, बट एक और चीज़ इस पूरे सिचुएशन को और इस पूरे स्टोरी को और भी क्रीपी बना देती है, और वो चीज़ ये है कि फर्नांडो कोई हॉरर वीडियो क्रिएटर नहीं है,
उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में जितनी भी वीडियो शेयर करी थी उन सब में से ये एक ही वीडियो है जिसमें ऐसा कुछ कैप्चर हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि उनका कोई शौक नहीं है ऐसे फेक वीडियोस को बना के व्यूज़ लेने का, एंड ये चीज़ इस पूरे केस को और भी ज़्यादा रियलिस्टिक और भी ज़्यादा लेजिटिमेट बना देती है। सो कहीं ना कहीं डाउट्स तो क्रिएट हो रहे थे, दैट वॉज इट ए घोस्ट, वॉज इट अ स्पिरिट, या फिर इट वॉज ए क्रीपी स्ट्रेंजर जो वहाँ पे उनको स्टॉक करने के लिए आया हुआ था। कई सारे सवाल हैं और इस सारे सवालों के कोई भी पर्टिकुलर आंसर नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। आई नो मैंने ऑलरेडी बहुत बार ये चीज़ बोल दी, बट मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब कर लेना। आई एम रियली क्लोज टू 150K सब्सक्राइबर्स एंड आई वॉन्ट टू अकॉम्प्लिश बिफोर न्यू ईयर, तो जल्दी से कर देना सब्सक्राइब ताकि हमारा 150K हो जाए। एंड ऑल्सो गोइंग टूअर्ड्स 2023, काफ़ी बड़े बड़े प्लान्स हैं। कुछ प्लान्स तो इतने बड़े हैं कि मैं खुद डाउट में हूँ कि वो सारे हम कम्प्लीट कर भी पाएंगे या नहीं, हमसे हो भी पाएगा कि नहीं, बट होप फॉर द बेस्ट। सो लेट्स सी, आई होप सब सही हो। बाकी इस वीडियो को भी सपोर्ट दिखा देना। आज के वीडियो का कॉमेंट्स तुम्हारे रेगुलर कमेंट्स के साथ साथ हैप्पी न्यू ईयर के कमेंट के साथ भी भर जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीडियो है ईयर का, तो इसके बाद सीधा हम न्यू ईयर में एंट्री करेंगे। तो डू फुलफिल द कमेंट्स विथ योर लवली विशेस एंड आई होप फॉर द बेस्ट फॉर यू गाइस आल्सो। एंड एक प्लान है कि शायद न्यू ईयर पे कोई लाइव स्ट्रीम करूँ मैं, तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी तुम एंजॉय करो, वीडियोज़ को देखते रहो। बाय।